Find the volume of a tank whose base has an area of 3x squared plus 30x plus 5 square meters and whose height is 8x minus 5 meter. अब हमें एक टैंक दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है. मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा टैंक दिया हुआ है और इसका जो बेस का एरिया है, और इसका अगर हम बेस बना दें, अगर ये सिलेंड्रिकल टैंक थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा तो आपको ऐसे दिख जाएगा. इसका जो बेस का ये एरिया है, ये हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5. और एक्चुअली जो ये बेस का एरिया होगा वो एक्चुअली स्टॉप के एरिया के भी बराबर होगा, दोनों एरिया एक्चुअली सेम होंगे. तो ये एरिया हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है. और हमसे कह दिया गया है कि इसका जो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक, वो हमें 8x माइनस 5 मीटर्स दे दी गई है. तो भाई अब हमसे पूछ दिया गया है कि भाई बताओ कि इसने इस थ्री डायमेंशनल स्पेस पे कितना जगह ऑक्यूपाई किया है, इसकी वॉल्यूम क्या है, वो हमें बताने को बोल दिया गया है. तो इसका वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, इस सिलेंड्रिकल टैंक के वॉल्यूम की, तो मैं इस बेस के एरिया को अगर इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा. एरिया ऑफ बेस टाइम्स हाइट, तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा. अब बेस का एरिया दिया हुआ है मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा हाइट से इसके, और हाइट क्या है 8x माइनस 5 मीटर्स. तो बस हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो इसमें करना कुछ नहीं है, अब हम दोनों एक्सप्रेशन हमको मिल गए, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. मैं ऐसे कर दूं, या तो मैं पहले इस वाले पूरे को उठाऊं, इस एक्सप्रेशन को उठाऊं और एक एक करके इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं. इसको पहले 8x से मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर इसको करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं 8x माइनस 5 को उठाऊं और इसको मैं एक एक करके हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x स्क्वायर से पहले, फिर 30x से प्लस 5 से. आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा. तो चलिए पहले हम कोई भी तरीका चुन लेते हैं. हम पहले काम करते हैं, इसको हम एक एक करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो पहला है हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले 8x के साथ टाइम्स 8x, और फिर फाइनली इसको हम नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लस फिर से 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव 5 के साथ. तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन. अब चलिए अब हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर से लगाना है. अब इस 8x को हमको एक एक करके हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इस नेगेटिव 5 को एक एक करके हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 8x टाइम्स 3x स्क्वायर हो जाएगा मेरा 8 3 8 8 8 16 8 3 24 x की पावर 2 और 1 3, 24x की पावर 3, 8x टाइम्स 30x. अब 8 टाइम्स 3 होता है 24, और एक जीरो और क्योंकि ये 10 टाइम्स है उसका, तो 240, x टाइम्स x हो जाएगा x स्क्वायर, 8x टाइम्स 5, 8 5 जा होता है 40, तो ये हो जाएगा 40x के बराबर, जैसे ही मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा. और अब उसके साथ ही साथ अब मैं नेगेटिव 5 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नेगेटिव 5 टाइम्स 3 होता है नेगेटिव 15 और x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा. फिर नेगेटिव 5 को मैं 30x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नेगेटिव 5 टाइम्स 30 हो जाएगा, नेगेटिव 5 टाइम्स 3 होता है नेगेटिव 15, उसका 10 टाइम्स -150 टाइम्स x, और नेगेटिव 5 टाइम्स 5 हो जाएगा -25 के बराबर. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, ताकि हम उनको कंबाइन कर सकें. x की पावर 3 वाला एक ही टर्म है, x स्क्वायर है यहाँ पे 240x स्क्वायर, और यहाँ पे है -15x स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए. उसके अलावा यहाँ पे है 40x और यहाँ पे है -150x, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हो गए. तो चलिए इनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. तो फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 24x की पावर 3, जो का त्यों आ जाएगा यहाँ पे 24x की पावर 3
240 x स्क्वायर माइनस 15 x स्क्वायर, तो 240 में से 15 हमको घटाना है, तो 240 में से पहले मैं 10 घटाऊंगा तो बचेगा 230, उसमें से और मैं 5 घटाऊंगा तो बचेगा 225, यानी कि प्लस 225 x स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 40x माइनस 150x, तो 40 माइनस 150 होगा माइनस 110 और x यहाँ पे आ जाएगा, और फिर फाइनली ये नेगेटिव 25 है तो वो जो कहते हो आ जाएगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आई, ये हमें इस सिलेंडर का, इस जो टैंक है इसका, यहाँ पे हमें ये वॉल्यूम दे देगा कि थ्री डायमेंशन स्पेस में इसने जितनी जगह ऑक्यूपाई की है वो इस एक्सप्रेशन से हमें मिल जाएगा। और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब, क्योंकि हमने एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो मीटर स्क्वायर टाइम्स मीटर, यानी ऐसे मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, मीटर स्क्वायर ये एरिया का यूनिट और ये लेंथ का यूनिट, दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे बेस सेम है तो इनका पावर ऐड हो जाएगा, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम की यूनिट जो है वो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब ऐसी होती है।